नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर राजस्थान मौसम को लेकर आई है। राजस्थान में अचानक से छाया अंधेरा, कई जिलों में दोस्तों धूल भरी आंधी के साथ जमकर बारिश, ओलावृष्टि का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिम विक्षोभ का असर 1 जून तक रहने वाला है। 1 जून तक राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश, साथ ही ओलावृष्टि, 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। ये सिलसिला दोस्तों 48 घंटे तक जारी रहने वाला है। राजस्थान के निवासी दोस्तों अलर्ट हो जाइए, क्योंकि 2 दिन पहले ही इतना जबरदस्त आंधी तूफान आया है। शनिवार रात को इतना भयंकर आंधी तूफान आया, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कहीं कहीं पर तो मोबाइल के टावर तक गिर गए हैं, लाखों की तादाद में पेड़ और पोल गिर गए हैं, जिसकी वजह से बिजली अभी भी सुचारू रूप से सही नहीं आ रही है। और अब फिर से आंधी तूफान का अलर्ट जारी हुआ है। सीकर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, इन क्षेत्र में धूल भरी आंधी, जमकर ओलावृष्टि और कहीं कहीं पर दोस्तों तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम विक्षोभ का असर राजस्थान के अलावा अन्य हिस्सों में भी देखने को मिलेगा, लेकिन सीधा असर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के ऊपर बन रहा है। इसलिए राजस्थान के अंदर दोस्तों आप अलर्ट रहें। और आपको बता दें, राजस्थान के अंदर पहले जबरदस्त तूफान की वजह से भारी नुकसान फतेहपुर के अंदर हुआ है, जहां पर 2 मोबाइल के टावर भी गिर गए हैं और लगभग दोस्तों 15 मकानों के अंदर दरारें आई हैं। कई घरों की दोस्तों छत उड़ गई थी, 3 सेट उड़ गए थे और जगह जगह पेड़ गिरने की वजह से रास्ते भी अवरुद्ध हो गए हैं। और अब जयपुर मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जोधपुर का कुछ क्षेत्र, अलवर, भरतपुर, जयपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, इन क्षेत्र के अंदर आज और कल धूल भरी आंधी चली, जिसकी स्पीड 70-80 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। और दोस्तों आप सभी से विनती है कि भारी बारिश, आंधी तूफान के चलते आप बिल्कुल भी घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि तूफान के बीच में कभी भी कुछ भी आ सकता है। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से पिछले कई दिन के अंदर दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग इलाकों में लगभग 60 से 70 लोगों की मौत हो गई है। इसलिए दोस्तों आप सभी सुरक्षित रहें, भारी बारिश आंधी तूफान के चलते बाहर ना निकलें। वर्तमान में आपके जिले का मौसम कैसा है, आप हमारी वीडियो किस गांव, किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मौसम की प्रत्येक जानकारी आपको मिलती रहे। और जल्द ही मानसून भी आ रहा है, मानसून की वजह से भी राजस्थान में झमाझम बारिश होने वाली है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।